साथ। कितने का है? 101। अच्छा, दो दुकान वाली। हेलो गाइज, वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो यार आप सभी लोग, आई होप ऑल आर डूइंग वेल। तो यार आज मैं जा रहा हूँ जागेश्वर मंदिर, और जो कि बहुत फेमस मंदिर है यार उत्तराखंड में। तो अल्मोड़ा से अराउंड 35 किलोमीटर है। तो अभी मेरा फ्रेंड आ रहा रोड पे, तो चलते हैं। चार धामों के बाद भाई पाँचवा धाम है। तो यार गौरव भाई आ चुके हैं। चले, इंश्योरेंस बना लिया है आज। बना लिया इंश्योरेंस भी खत्म हो गया ना, इंश्योरेंस भी करा पॉलिसन। तो यार कल हमारा गाड़ी का पॉल्यूशन खत्म हो गया था, तो आज भाई पॉल्यूशन करा के आ गया। डबल हेलमेट भी है, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली आज। तो यार देख लो, पहाड़ों में भी अभी तक ये वाली गाड़ियाँ चलती हैं। और ये गाड़ी आई जागेश्वर। हम लोग आ चुके हैं आरतोला में, और जागेश्वर धाम 3 किलोमीटर है, और जो स्टेट वाला रूट जाता ही जाता है पिछौरागढ़, और हम जागेश्वर के लिए कट जाएंगे यहाँ से लेफ्ट। और यहाँ से 3 किलोमीटर है, और ये जागेश्वर के लिए भाई बहुत ही अच्छा गेट। तो यार गाइस, पहले जागेश्वर मंदिर जाने से पहले डंडेश्वर मंदिर जाना पड़ता है। तो यार थोड़ी सी बारिश आने लग गई है, और मैंने मोटो ब्लॉगिंग में अपना भाई माइक का सेटअप नहीं किया था। चलो कोई नहीं, आवाज़ थोड़ी सी आ रही होगी। और अभी हम लोग हैं डंडेश्वर महादेव में, पहले यहाँ के दर्शन करते हैं, फिर चलेंगे जागेश्वर धाम। फ्रेंड्स, हमने डंडेश्वर महादेव के दर्शन कर लिए हैं, और अभी मैंने अपने गोप्रो का माइक सेट कर लिया है, माइक लगा दिया है। इससे पहले मैंने माइक लगाना भूल गया था। चलो कोई नहीं, और अभी इस देवदार के पेड़ों के बीच से हमने जाना है, और देवदार के पेड़ों के बीच में ही जागेश्वर धाम है यार। तो यार ये है जागेश्वर की छोटी सी मार्केट, और इधर आपको गेस्ट हाउस वगैरह, होटल वगैरह सब मिल जाएंगे। यहाँ पर सारी व्यवस्था है यार, और यहाँ पर पार्किंग भी है। तो यार हम लोग पहुँच चुके हैं जागेश्वर मंदिर पे, और अभी दिखाते हैं आपको, अंदर के दर्शन करवाते हैं। और प्रसाद कितने का है? 101। हेलमेट भी रखवा दे यार भाई। हाँ हाँ, हेलमेट रख दो। आप अंदर ले। दो दुकान लेनी है ना? अच्छा, दो दुकान तुम्हारी। हाँ, ये भाई की है ना। अभी हम मंदिर जाके ना यहाँ को भी आएंगे, उधर को भी जाएंगे। हाँ, हाँ। तो हेलमेट यहीं रखे रहना। ले लिया हम लोगों ने। तो यार पहले यहाँ पे एंट्री करनी पड़ती है। तो यार यहाँ पर पहले पर्ची कटेगी, 25 रुपीज़ पर पर्सन है, और अपना स्टैंड हमने यहाँ पर रखना है। अच्छा, ठीक है, इसमें भी आपको बोलना नहीं है। आप जो रिकॉर्डिंग करेंगे चुपचाप साइलेंटली करेंगे, मतलब ब्लॉगिंग वगैरह कुछ के लिए करना नहीं करना है, ठीक है, आप यहीं से करेंगे। तो जागेश्वर मंदिर में ये छोटे छोटे मंदिर दिख रहे हैं आप लोग को, ये 124 से भी ज़्यादा मंदिर हैं। और ये ज्योतिर्लिंग है जागेश्वर मंदिर की, जो कि
पूरे इंडिया में 12 ज्योतिर्लिंग में से 8वां जो ज्योतिर्लिंग है वो यहाँ पर स्थित है जागेश्वर मंदिर पे। और अभी हम लोगों ने टीका लगा दिया है। तो यार ये है कमल कुंड और यहाँ पर सिक्के डालने से ना मनोकामना पूरी होती है, तो यहाँ पर सिक्के भी डाल रखे बहुत सारे। तो यार ये जो है पत्तों में अटकना चाहिए, जैसे पत्तों में अटक रखा है तो ऐसी पत्तों में अपने को अटकाना है। तो ये है केदारनाथ मंदिर। तो इस नदी का नाम है जटागंगा। तो यार अब हम लोग जा रहे हैं ब्रह्म कुंड में, तो चलते हैं ब्रह्म कुंड दिखाते हैं आपको। तो यार ये है ब्रह्म कुंड के पीछे है और आप लोग यहाँ पे नहा भी सकते हैं। यार अभी तो हम लोग नहाएंगे नहीं, बट यहाँ पे नहा भी सकते हैं। तो यार हम लोग ने ब्रह्म कुंड के दर्शन कर लिए, तो अब हम लोग जा रहे हैं ऊपर। कुबेर मंदिर है और अभी कुबेर मंदिर के दर्शन करते हैं। चलते हैं कुबेर मंदिर। और यहाँ पर अभी मंदिर का काम चल रहा है। और यहाँ पर भी मंदिर का काम चल रहा है यार। फाइनली हम पहुँच चुके हैं यार प्राचीन कुबेर मंदिर। ये है, अभी चलते हैं अंदर। और बंदर का बहुत बड़ा आतंक है भाई, इधर इन्होंने हमारा प्रसाद वगैरह सब ले लिया है। तो हम लोग पहुँच चुके हैं कुबेर मंदिर में और अभी कुबेर मंदिर में लॉक लगा हुआ है। यहाँ पर कोई पुजारी जी नहीं है अभी, पर यहाँ पर बहुत सारे बंदर है यार। इन बंदरों ने ना बहुत ज़्यादा आतंक फैला रखा है, ये देखिए। तो ये है कुबेर मंदिर। तो यार गाइस इस वीडियो का एंड यहीं पर करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें यार, कमेंट करें एंड शेयर करें। दिस इज बायोटेक राइडर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।